हेलो एवरीवन, बेसिकली जो लेक्चर है ये मेरा मेन फ्रेमवर्क ये था कि जिनका अटेम्प्ट दिसंबर है या कभी भी अटेम्प्ट है, तो कई बच्चों का ये रहता है कि सर कौन से सेक्शंस याद होना चाहिए, ज़रूरी हैं। अगर देखा जाए सेक्शंस काफ़ी हैं, क्या हम सारे सेक्शंस याद कर सकते हैं? हो भी सकता है और नहीं भी। एज अ स्टूडेंट वो चीज़ काफ़ी टिपिकल है कि अगर आप सारे सेक्शंस को याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि 2-4-10 नहीं है, 298 टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस है। तो मैं अभी दो लेक्चर्स में, आज लेक्चर नंबर 1 रहेगा, कल लेक्चर नंबर 2, इसमें मैं आपको सिर्फ क्या बताऊंगा, कौन कौन से मेन सेक्शंस हैं जो एक स्टूडेंट को एग्जाम के लिए याद रहना चाहिए। इन द सेंस, मतलब ऐसा नहीं है कि सेक्शन इंस्टीट्यूट पूछता है नहीं पूछता है, पर आपको सेक्शन 1 शुड नो। ये सेक्शन तो सर हमें मालूम ही होना चाहिए क्योंकि वी आर गोइंग टू बी प्रोफेशनल्स। आगे जाके हम प्रोफेशनल बनेंगे तो हमको सेक्शंस कहाँ से, कैसे, क्या सीक्वेंस है ये। और एग्जाम में पेपर एमसीक्यू होने की वजह से कई बार इंस्टीट्यूट डायरेक्ट सेक्शन पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। और कोई बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट्स नहीं लेना है, हाफ हाफ आवर के 2 वीडियोज़ हैं ये मेरे, आप ये देखेंगे तो इससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या मैं सारे सेक्शंस कवर नहीं करूँगा, फालतू आपको पैनिक नहीं करूँगा, सिर्फ वही सेक्शंस जो आपके लिए रेलेवेंट है वो। तो चलिए सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले जो अपन सेक्शंस डिस्कस करने वाले हैं वो किस चीज के डिस्कस करने वाले हैं? इनकम टैक्स एक्ट 1961। किसके डिस्कस करने वाले हैं? इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब इसमें कुछ बेसिक चीजें, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में अगर मैं देखूंगा टोटल चैप्टर्स, कितने चैप्टर्स हैं? 23। सिलेबस में नहीं बोल रहा हूँ, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कितने चैप्टर्स हैं टोटल? 23। इन चैप्टर्स के साथ कुछ शेड्यूल्स हैं, दैट इज 14। फिर आपको क्या मालूम होना चाहिए? सेक्शंस 298 और रूल्स। हमने पढ़ा था ना कंपोनेंट्स में, इनकम टैक्स रूल 1962, तो टोटल नंबर ऑफ रूल्स कितने हैं? 128। क्लियर? ये बेसिक है जो हमें मालूम होना ही चाहिए। फर्स्ट क्या हो गया, इनकम, हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसमें कितने चैप्टर्स हैं टोटल? 23 चैप्टर्स हैं। फिर उसके बाद कुछ शेड्यूल्स हैं, 14, सेक्शंस 298 और रूल्स कितने हैं? 128। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हम जब एक्ट की बात करेंगे तो सबसे पहला सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 1। तो सेक्शन 1 हमेशा हर एक्ट का क्या बताता है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। हर एक्ट का सेक्शन 1 क्या बताएगा? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। फिर आपको जो सेकेंड याद रखना है, दैट इज सेक्शन 2। सेक्शन 2 हमेशा क्या बताएगा? डेफिनेशंस। मतलब जितनी भी डेफिनेशंस आपको इनकम टैक्स एक्ट में मिलेंगी वो कौन से सेक्शन में मिलेंगे? सेक्शन 2। वापस रिवाइज करा रहा हूं, हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसमें कितने चैप्टर्स हैं? 23 चैप्टर्स हैं, 14 शेड्यूल्स हैं, सेक्शन 298 है टोटल और रूल्स कितने हैं? 128। सबसे पहले मैं काहे की बात कर रहा हूं? सेक्शन नंबर 1। तो सेक्शन नंबर 1 क्या बताता है मुझे? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। सेक्शन 2 डेफिनेशंस। इसके बाद जो अपना सेक्शन यूज होता है दैट इज सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 में उन्होंने क्या बता के रखा है? प्रीवियस ईयर। फिर इसके बाद जो आपको एग्जाम के लिए अच्छे से याद होना चाहिए, सेक्शन 4 क्या है? ये चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। व्हाट इज सेक्शन 4? चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। अब तो सेक्शन 1 किस चीज का हो गया? शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। सेक्शन 2 डेफिनेशन, सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर, सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। अब यहां पे वापस ध्यान दो, फिफ्टीन किसका है? सैलरी। 22 हाउस प्रॉपर्टी। 28 पीजीबीपी। 45 कैपिटल गेन।
56 अदर सोर्सेस. तो अगर मैं देखूंगा कि टोटल चार्जिंग सेक्शन इनकम टैक्स में कितने हैं, 6, 5 हेड्स के और एक टोटल इनकम टैक्स का. तो सेक्शन 4 क्या है, चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स है. उसके बाद सेक्शन 15 सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी 22, पीजीबीपी 28, कैपिटल गेन का 45 और अदर सोर्सेस 56. हम ये भी बोल सकते हैं कि हर हेड का जो पहला सेक्शन है, हर हेड का जो पहला सेक्शन है वो उसका क्या है, चार्जिंग सेक्शन. हर हेड का जो पहला सेक्शन है वो उसका क्या है, चार्जिंग सेक्शन. तो वापस देखिए, सेक्शन 1 किस चीज से रिलेटेड है, वापस समझो. सेक्शन 1 किस चीज से रिलेटेड है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट. सेक्शन 2 डेफिनेशन. सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर. सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स. 15 सैलरी, 22 हाउस प्रॉपर्टी, 28 पीजीबीपी, 45 कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस, 56. हर हेड का पहला सेक्शन उसका क्या रहेगा, चार्जिंग सेक्शन. अब सेक्शन 5, स्कोप ऑफ टोटल इनकम. ये आपको कौन से चैप्टर में मिलेगा, जब आप घर पर रिवाइज करेंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस, स्कोप ऑफ टोटल इनकम. इसके बाद सेक्शन 6, रेसिडेंस इन इंडिया. 9, 8 ध्यान नहीं दीजिए. सेक्शन 9, इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया. सेक्शन 9 किस चीज से रिलेटेड है, इनकम डीम टू और अक्रू और अराइज इन इंडिया. अब ये तीन सेक्शंस आपको 5, 6, 9 ये आपको कहां पे मिलेंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस वाले चैप्टर में. तो आप इन पे अच्छे से फोकस करना. तो सेक्शन 1 किस चीज से रिलेटेड रहेगा, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट और कमेंसमेंट. सेक्शन 2 डेफिनेशन. सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर. सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स. फिर इसमें अपने को क्या याद रखना है, हर हेड का जो पहला सेक्शन रहेगा वो उसका क्या रहेगा, चार्जिंग सेक्शन. दैट इज 15, 22, 28, 45, 56. सेक्शन 5 क्या बताएगा, स्कोप ऑफ टोटल इनकम. सेक्शन 6 रेसिडेंस इन इंडिया. सेक्शन 7, 8 रिलेवेंट नहीं उतना, एग्जाम पॉइंट ऑफ मतलब सेक्शंस याद नहीं होना चाहिए, नहीं भी रहे तो चलेगा. सेक्शन 9 इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया. क्लियर. अब जब भी सेक्शन 10 आता है, कौन सा सेक्शन, तो याद रखो सेक्शन 10 हमेशा किस चीज का बताता है, एग्जेम्प्टेड इनकम. बहुत सारे हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, 2, 2A, सेक्शन 10 सबसेक्शन 3, ऐसे बहुत सारे. तो अपने को सिंपल क्या मालूम होना चाहिए, जो भी एग्जेम्प्टेड इनकम के प्रोविजंस हैं वो कौन से सेक्शन में दिए हुए हैं, सेक्शन 10. फिर आपको एक सेक्शन मिलेगा सेक्शन 10 डबल ए, यूनिट लोकेटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन. तो ये दो आपको मैं सजेस्ट करूंगा जो रिकॉल होना चाहिए. सेक्शन 10 काय से रिलेटेड है, एग्जेम्प्टेड इनकम. सेक्शन 10 डबल ए, यूनिट्स लोकेटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन. फिर इसके बाद एक चैप्टर आता है चैरिटेबल ट्रस्ट. तो यहां पे अपने को सबसे पहले सेक्शन 11, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल ऑब्लिक रिलीजियस पर्पस. मतलब तीन सेक्शंस 11, 12, 13 ये किस चीज को कवर करते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट. और सीएस एग्जीक्यूटिव में हर अटेम्प्ट में आप देखोगे तो एक दो क्वेश्चंस आपको कायमे से मिलेंगे चैरिटेबल ट्रस्ट. तो चैरिटेबल ट्रस्ट को तीन सेक्शंस कवर करते हैं 11, 12, 13. इसके अंदर भी कई सारे सेक्शंस हैं, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ जो सेक्शन रिलेवेंट है वो बता रहा हूँ, सेक्शन 11, 12 और 13. तो 11 क्या बताता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस. इसके बाद सेक्शन 12, इनकम ऑफ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूशन. ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन को जो कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है उसके लिए सेक्शन कौन सा लगता है, 12.
फिर आपको एक और सेक्शन मिलेगा 12A, कंडीशन फॉर एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 11/12। क्लियर? 11 क्या बता रहा है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल ऑब्लिक रिलीजियस पर्पस। 12 क्या बता रहा है? ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन की इनकम कैसे कॉन्ट्रीब्यूशन। 12A, कंडीशन फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 11/12। अब एक और सेक्शन है, ध्यान देना, सेक्शन 12AA किस चीज से रिलेटेड है? प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, चैरिटेबल ट्रस्ट को जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर, उसके लिए सेक्शन कौन सा लगता है? 12AA। फिर एक और सेक्शन, सेक्शन 13, कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे सेक्शन 11 नॉट टू अप्लाई। क्लियर हुआ? वापस फिर से रिकलेक्ट करा रहा हूं, हम बात किसकी कर रहे हैं? इनकम टैक्स एक्ट 1961, चैप्टर्स कितने हैं? 23, शेड्यूल्स कितने हैं? 14, सेक्शंस कितने हैं? 298, और रूल्स कितने हैं? 128। सेक्शन 1 किस चीज़ के लिए है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। सेक्शन 2 डेफिनेशन। सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर। सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन। 15 सैलरी। 22 हाउस प्रॉपर्टी। PGBP 28 कैपिटल गेन। 45 अदर सोर्सेज। 56 सेक्शन 5 क्या बताएगा? स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सेक्शन 6 रेसिडेंस इन इंडिया। सेक्शन 9 इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। सेक्शन 10 एग्जेम्प्टेड इनकम। सेक्शन 10AA यूनिट लोकेटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। 15 साल तक एग्जेम्पशन मिलता है, फर्स्ट 5 ईयर्स, नेक्स्ट 5 ईयर्स और नेक्स्ट 5 ईयर्स। सेक्शन 11 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस। सेक्शन 12 इनकम ऑफ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूशन। 12A, 11 और 12 की कंडीशंस। 12AA प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 13 11 नॉट टू अप्लाई, तो ये किसको कवर कर ले रहा है? चैरिटेबल ट्रस्ट। फिर आपको दो सेक्शंस और याद रखना है, थर्टीन ए इनकम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, फिर 13B इनकम ऑफ इलेक्टोरल ट्रस्ट। साथ में आपको दो सेक्शंस और ध्यान देना है, डोनेशन, पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट, दो सेक्शंस हैं 80GGB और 80GGC। क्लियर हुआ? 13A इनकम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, 13B इलेक्टोरल ट्रस्ट, डोनेशन पॉलिटिकल पार्टी, मतलब एक जगह पॉलिटिकल पार्टी की इनकम के लिए कौन सा सेक्शन लगता है? 13A इलेक्टोरल ट्रस्ट, 13B जो बंदा पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन देता है उनको दो सेक्शंस है, 80GGB और 80GGC। क्लियर? और कोई डाउट यहां पे? चलिए इसके बाद देखिए अब। क्लियर? अब कुछ और चीजें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। सेक्शन 14 ये हमें क्या बताता है? हेड्स ऑफ इनकम, कितने हेड्स हैं? 5। हर हेड का पहला सेक्शन चार्जिंग सेक्शन, फिर आपको मिलेगा सेक्शन 14A एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रिलेशन टू इनकम नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम। मैं ये भी बोल सकता हूं 14A ऐसे खर्चे के बारे में बात करता है जो किस चीज के लिए की जाती है, ऐसी इनकम जो कहां पे इंक्लूड नहीं होती है, टोटल इनकम। क्लियर? अब यहीं पे मुझे दो चीजें और याद रखना है, एक सेक्शन 288A राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम, देन 288B राउंडिंग ऑफ
टैक्स लाइबिलिटी टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10, क्लियर। फिर इसके बाद एक और सेक्शन जो हमारे लिए रेलेवेंट हो जाएगा, दैट इज 87A। क्या है ये? रिबेट। मतलब ये वो सेक्शंस हैं जो आपको याद होना ही चाहिए। वापस हम फिर से रिकलेक्ट करते हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961, चैप्टर्स 23, शेड्यूल 14, सेक्शंस 298, रूल्स 128। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट और कमेंसमेंट, सेक्शन 2 मुझे क्या बताता है, डेफिनेशन। मैक्सिमम डेफिनेशन आपको इनकम टैक्स में काय में मिलेंगी, सेक्शन 2। सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर, सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स, 15 सैलरी, 22 हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी 28, कैपिटल गेन 45, अदर सोर्सेस 56। सेक्शन 5 क्या बताता है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सेक्शन 6 रेसिडेंस इन इंडिया। सेक्शन 9 इनकम डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया। सेक्शन 10 एग्जेम्प्टेड इनकम। सेक्शन 10 डबल ए यूनिट लोकेटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। 11 12 13 काय से रिलेटेड है, चैरिटेबल ट्रस्ट। 11 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस इन इंडिया। 12 इनकम ऑफ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूशन। 12A कंडीशंस फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 11 एंड 12। 12 डबल ए प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। 13 11 नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन केसेस। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की इनकम की जब बात करेंगे तो सेक्शन कौन सा एप्लीकेबल होगा पॉलिटिकल पार्टी को? 13A इनकम ऑफ इलेक्टोरल ट्रस्ट। 13B हम अगर डोनेशन देंगे पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट को तो दो सेक्शन से अप्लाई होते हैं, 80GGB और 80GGC। ये दोनों आपको कौन से चैप्टर में मिलेंगे? डिडक्शन। 14 क्या बताता है? हेड्स ऑफ इनकम। इनकम टैक्स ने इनकम के हेड्स कितने इसमें क्लासिफाई करके रखा है? 5। 14A एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रिलेशन टू इनकम नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम। 288A राउंडिंग ऑफ ऑफ टोटल इनकम। 288B राउंडिंग ऑफ ऑफ टैक्स लाइबिलिटी टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। और थर्ड इसमें अपने को याद रखना है रिबेट। रिबेट कौन से सेक्शन से चलता है? 87A, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपका कौन सा चैप्टर कवर कर रहा हूं? सैलरी। तो सैलरी में जो सबसे पहला सेक्शन, सैलरी में जो सबसे पहला सेक्शन आएगा सेक्शन 15। क्या है सेक्शन 15? चार्जिंग सेक्शन। अब याद रखना हर हेड का जो पहला सेक्शन रहेगा, किसी भी हेड का जो पहला सेक्शन रहेगा वो उसका क्या रहेगा? चार्जिंग सेक्शन। हर हेड का जो पहला सेक्शन रहेगा वो उसका क्या रहेगा? चार्जिंग सेक्शन। इसके बाद सेक्शन 16 क्या बताता है? डिडक्शंस। 3 इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स। हर हेड का पहला सेक्शन चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 16 डिडक्शन। अब सैलरी में एक और सेक्शन बचता है, तो ये है इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ सैलरी। इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ सैलरी की सैलरी में क्या क्या आएगा, क्लियर। अब इसके बाद कुछ और सेक्शंस जो सैलरी के लिए रेलेवेंट है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A हाउस रेंट अलाउंस के एग्जेम्पशन की बात करता है। कैसे पता चला एग्जेम्पशन की बात करता है? मैंने आपको अभी भी बताया था, सर जब भी सेक्शन 10 आएगा तो मुझे समझना है कि सेक्शन 10 किस चीज के लिए है। सेक्शन 10 इज फॉर एग्जेम्पशन, क्लियर हुआ। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A HRA, सेक्शन 10 सबसेक्शन 4, ये सारे अदर अलाउंसेस को कवर करता है, क्लियर हुआ। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A HRA, सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 अदर अलाउंसेस, क्लियर। इसके बाद ग्रेचुटी, तो ग्रेचुटी में भी एग्जेम्पशन है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10। अब इसके तीन क्लॉज हैं, क्लॉज 1, क्लॉज 2 और क्लॉज 3। क्लॉज 1 किसके लिए है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट
applicable payment of gratuity act not applicable. फिर मैं बीच में आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करके दूंगा जिसमें सिर्फ हम लिमिट्स को डिस्कस करेंगे. फिर एक वीडियो में क्या लेके आऊंगा, फॉर्म्स. तो ये वो चीज़ें हैं जो एग्जाम में बहुत इजी रहती है अपने को. बाद में ऐसा लगता है यार अगर जस्ट याद आ जाता तो हमको हमारे एक नंबर सिक्योर हो जाते. तो इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से देखते जाना और लिख के अगर आप मेरे साथ करेंगे तो आपको जल्दी रिकलेक्ट होगा. तो ग्रेचुटी के लिए सेक्शन 10, सब सेक्शन 10, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, इसके बाद किस चीज पे बात करेंगे, पेंशन. तो पेंशन में भी एग्जेम्पशन मिलता है सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 ए. क्लियर? सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 ए. फिर लीव इनकैशमेंट, ध्यान देना, 10 सब सेक्शन 10 डबल ए. फिर इसके बाद आएगा रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 बी. फिर इसके बाद VRS, सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 सी, सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 सी. मतलब ये देखिए, हो भी सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि सैलरी में सर ये सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आप नोट कर सकते हैं. लेकिन मैं यहाँ पे वो सेक्शंस बता रहा हूँ जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि सर हमको ये सेक्शन भी याद है या ये होना चाहिए, तो आप इस लिस्ट में उसको भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. तो सैलरी कहाँ से है, सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 16 डिडक्शन, सेक्शन 17 इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ सैलरी, सेक्शन 10 सब सेक्शन 13 है एचआरए, सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 अदर अलाउंसेस ग्रेचुटी, सेक्शन 10 सब सेक्शन 10, ये तीन इसमें डिवाइड है जो याद होना चाहिए, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3. इसके बाद पेंशन सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 ए, लीव इनकैशमेंट सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 डबल ए. फिर इसके बाद रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 बी, वीआरएस सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 सी. फिर इसके बाद याद रखना जब भी सैलरी का चैप्टर है तो यहां पे आपको दो किस चीज से रिलेटेड सेक्शंस याद होना चाहिए, टीडीएस. तो टीडीएस के यहां पे दो सेक्शंस लगेंगे 192 और 192 ए. ये कौन से चैप्टर में मिलेंगे आपको, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. ये बहुत रिलेवेंट सेक्शंस है. तो सैलरी में मतलब मुझे कौन कौन से याद रखना है, 15 16 17 प्लस टीडीएस के दो, 192 और 192 ए. 192 ए आरपीएफ से रिलेटेड है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से जब अमाउंट विड्रॉ करते हैं और 50,000 से ऊपर है तो उस पर भी क्या एप्लीकेबल है, टीडीएस. तो जब चैप्टर पढ़ेंगे, पर चैप्टर पढ़ते टाइम मुझे ये याद रखना है कि सर इस चैप्टर में ये वाले दो सेक्शंस भी मुझे काय के याद रखना है, टीडीएस. क्लियर? तो आज हमने क्या क्या कंप्लीट देख लिया, सैलरी भी हो गया. चलिए इसके बाद अब मैं जो नेक्स्ट हेड डिस्कस कर रहा हूं वो किस चीज से रिलेटेड है, हाउस प्रॉपर्टी. तो हाउस प्रॉपर्टी में सबसे पहला सेक्शन जो आता है दैट इज 22. तो 22 क्या रहेगा, चार्जिंग सेक्शन. मैंने आपको पहले भी बताया था हर हेड का जो पहला सेक्शन होता है वो किस चीज का रहता है, चार्जिंग सेक्शन. सेक्शन 23 एनुअल वैल्यू. फिर 23 में भी कई सारे हैं, वो तो मेरे को भी याद नहीं रहते इतने हैं. तो अपने को मेन याद रखना है मेन सेक्शंस 23. फिर आपको क्या मिलेगा, सेक्शन 24. तो 24 क्या बताता है, डिडक्शंस. ये वापस दो इसमें डिवाइड है, कितने इसमें डिवाइड है, दो. 24 सब सेक्शन ए, 24 बी. 24 ए स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट. क्लियर? तो 22 चार्जिंग सेक्शन, 23 एनुअल वैल्यू, 24 डिडक्शन. इसके बाद सेक्शन 25, ये वापस टीडीएस से रिलेटेड है, इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया विदाउट डिडक्शन ऑफ, सॉरी, सेटलमेंट में कॉन्टैक्ट नहीं किया, और बैंक ने सेटलमेंट के लिए आवेदन किया, और कॉन्टैक्ट
without tax deducted at source. So 22, charging section 23, annual value 24, deduction again दो इसमें divided 24A और 24B. फिर इसके बाद 25, interest paid outside India without deduction of tax at source. 25A, arrears of rent oblique unrealized rent. देन आपको एक सेक्शन मिलेगा 26. तो 26 क्या बताता है? को ओनर. 27, डीम्ड ओनर. वॉट 27, क्लियर हुआ? अब यहां पे वापस मुझे दो चीजें और याद रखना है. TDS फिर आएगा. तो TDS के लिए 194I और दूसरा 194IB. जब आप ये TDS चैप्टर देखेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा. क्लियर हुआ? तो वापस देखो, हम सेक्शंस को फिर रिवाइज कर रहे हैं. हम बात किसकी कर रहे हैं? इनकम टैक्स एक्ट 1961. चैप्टर्स कितने हैं? 23. शेड्यूल कितने हैं? 14. सेक्शन कितने हैं? 298. रूल्स 128. सेक्शन 1, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट. सेक्शन 2, डेफिनेशन. सेक्शन 3, प्रीवियस ईयर. सेक्शन 4, चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स. उसमें हर हेड का जो पहला सेक्शन रहेगा वो उसका क्या है? चार्जिंग सेक्शन. सैलरी 15, हाउस प्रॉपर्टी 22, PGBP 28, कैपिटल गेन 45, अदर सोर्सेस 56. सेक्शन 5 क्या बताएगा? स्कोप ऑफ टोटल इनकम. सेक्शन 6, रेसिडेंस इन इंडिया. सेक्शन 9, इनकम डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया. सेक्शन 10, एग्जेम्प्टेड इनकम. काफी ज्यादा है. सेक्शन 10AA, यूनिट लोकेटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन. सेक्शन 11, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस. 12 क्या बताता है? ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन को कॉन्ट्रीब्यूशन से इनकम है. 12A, कंडीशन फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 11 एंड 12. 12AA, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन. 13, सेक्शन 11 नॉट टू अप्लाई. देन 13A, पॉलिटिकल पार्टी. 13B, इलेक्टोरल ट्रस्ट की इनकम. देन दो सेक्शंस और, 80GGB और 80GGC. 14, हेड्स ऑफ इनकम बताता है. कितने हेड्स हैं? 5. 14A, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रिलेशन टू इनकम नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम. फिर हमें जो चैप्टर 1 में ही मालूम होना चाहिए, 288A, राउंडिंग ऑफ ऑफ टोटल इनकम. 288B, राउंडिंग ऑफ ऑफ टैक्स लाइबिलिटी टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10. 87A, किस चीज से रिलेटेड है? रिबेट. देन सैलरी. सैलरी में सबसे पहला सेक्शन जो मुझे रिकॉल होना चाहिए 15 क्या है? चार्जिंग सेक्शन. क्या बोलता है चार्जिंग सेक्शन? पढ़ा होगा ना आपने, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीव बेसिस व्हिच एवर इज अर्लियर. फिर इसके बाद डिडक्शन. 16 में 3 है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स. सेक्शन 17, इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ सैलरी. सेक्शन 10, सबसेक्शन 13A, HRA. सेक्शन 10, सबसेक्शन 14, अदर अलाउंसेस. देन ग्रेचुटी. ग्रेचुटी सेक्शन 10, सबसेक्शन 10, इसमें 3 है, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3. गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्लॉज 1, क्लॉज 2, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट अप्लाई. क्लॉज 3, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट डू नॉट अप्लाई. पेंशन सेक्शन 10, सबसेक्शन 10A. लीव एनकैशमेंट 10, सबसेक्शन 10AA. रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन 10, सबसेक्शन 10B. VRS सेक्शन 10, सबसेक्शन 10C. साथ में दो मुझे TDS के सेक्शंस को और ध्यान देना है, 192 और 192A. TDS कौन डिडक्ट करेगा? एम्प्लॉयर. इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी. सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन. सेक्शन 23 एनुअल वैल्यू. सेक्शन 24 डिडक्शन. 24A और 24B. 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन, 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल. 25 क्या बताता है? इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स. 25A अरियर्स ऑफ रेंट ऑब्लिक अनरियलाइज रेंट. 26 को ओनर. 27 डीम्ड ओनर. इसके बाद दो HP में भी सेक्शंस देखना है, 194I और दूसरा कौन सा है? 194IB. क्लियर? जस्ट आज इतना ही. कल वापस अपन मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 सेक्शंस का. तो मैं 3 सेशन में ये पूरा सेक्शंस आपके कवर कराऊंगा. फिर बोल रहा हूँ, देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. आज आपको वापस इसको क्या करना है, एक बार लिख के रिवाइज करिए, सेक्शंस याद हो जाएंगे. और एग्जाम में इंस्टीट्यूट कई बार सेक्शंस पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, तो आपको मालूम होना चाहिए. बस आज के लिए इतना ही.